भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपको बता दें, कांग्रेस महिला सेवा दल की अध्यक्ष खुशबू खान अपने घर पर स्वतंत्रता दिवस मना रही हैं। आप देख सकते हैं भारत माता के नारे, वंदे मातरम के नारे, देशभक्ति के नारे और देशभक्ति का जुनून लोगों में दिख रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नितिन जी, स्वतंत्रता दिवस आप घूम घूम के मना रहे हैं, कैसा अनुभव रहा? युवाओं में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को, मेरे जिला शहरी युवा कांग्रेस के सभी युवा साथियों को, बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, बच्चों को आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और इस दिन की सब में पूरे जोरों शोरों से जिस तरीके से सब जगह युवा व महिलाएं, कहीं बुजुर्ग कहीं बच्चे आज इस दिन को जो बना रहे हैं वो बहुत जोरों शोरों से बना रहे हैं। बिल्कुल। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम जिस भी कार्यक्रम के लिए सुबह से निकले हैं, युवाओं में इतना भयंकर जोश है, देश के झंडे के लिए जो मान सम्मान है, जो प्यार है, वो उभर के निकल के आ रहा है। नितिन जी, मैं आज एक खास बात देख रहा हूँ कि जहाँ आप तिरंगा फहरा रहे हैं, मिलाड़ कॉलोनी हुआ या इंदिरा नगर हुआ, मतलब यहाँ लगभग अच्छी तरह से नेता आ जा नहीं सकते जो है, मतलब, और यहाँ पहले घुटने पर कीचड़ होता है उसके बाद यहाँ आते हैं और आप ऐसी जगहों पर सड़कों पर बहुत गड्ढे हैं, आना मुश्किल है, कोई नेता यहाँ आना नहीं चाहेगा। देखिए, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के दिन अनेकों कार्यक्रम श्री लखन कुमार सिंगला जी के व मेरे रखे गए, लेकिन पिताजी का यह आग्रह था कि जिन भी क्षेत्रों के अंदर, हमारी फरीदाबाद विधानसभा के अंदर, जिन कॉलोनियों के अंदर आज देश में लोकतंत्र जरूर आ गया, लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने के लिए रोका जा रहा है। आप देखिए, जिस कॉलोनी में हम आए हैं इंदिरा नगर में, पहले मिलहाड़ में गए, आप सड़कों की हालत देखिए। लोगों के बीच में हम इसलिए जा रहे हैं कि हम विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन हम आपके दुख सुख हर समय में आपके साथ हैं, सरकार के पीछे हर तरीके से लगे रहेंगे। इस गंदे डिस्पोजल को देखिए, ये नाली यहाँ से बह रही है, इधर से सड़क टूटी पड़ी है, कोई आ जा नहीं सकता। देश की आज़ादी के दिन भी, देश की आज़ादी के दिन भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि ये क्या यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दे दी जाएं। आज हर नागरिक का राइट बनता है कि उसको अच्छी सड़क, अच्छा पीने का पानी, बिजली की रेगुलर सुविधा, अच्छी नाली सीवरेज की व्यवस्था हो, अच्छा बच्चों के लिए सरकारी स्कूल हो। क्या ये मूलभूत सुविधाएं इस देश को नहीं मिलनी चाहिए, इस देश के नागरिक को नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं तो स्वतंत्रता दिवस के दिन, आज कोई राजनीति ना करते हुए, आज क्योंकि बड़े हर्षोल्लास का दिन है, हमारी जिला महिला सेवा दल की जो अध्यक्ष हैं खुशबू खान जी, इन्होंने यह कार्यक्रम आज किया है। इनका सेवा दल ने पूरे देश के अंदर, चाहे वह महिला सेवा दल हो चाहे पुरुष सेवा दल हो, लालजी देसाई जी के बैनर के अंडर, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के, कुमारी शैलजा जी के, दीपेंद्र हुड्डा जी के, सभी के बैनर के अंडर आज इन्होंने हर कार्यक्रम की तरह खुशबू खान जी ने जो है कि आज भी यह देश का झंडा फहराने का काम किया, 75वां दिवस बनाया। और मैं इनको, इनकी टीम को, इनकी महिलाओं की टीम को भी धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही मैं इन महिलाओं की, इन साथियों की जो खड़े हैं, इन बच्चों की हिम्मत को दाद देता हूँ कि वह ऐसी कॉलोनी के अंदर जीने के लिए मजबूर हैं, जिस कॉलोनी में ना तो सड़क है ढंग से, ना सीवर है, ना नाली है, ना पानी की सुविधाएँ हैं। तो मैं इस दिन राजनीति ना करते हुए, लेकिन एक आम नागरिक की तरह अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, फरीदाबाद जिले के नेता, यहाँ के विधायक, सीएम साहब आज फरीदाबाद में हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है उनसे? मैं आग्रह कर रहा हूँ, वही मेरी उनसे अपील है कि कृपया करके 12 सेक्टर का झंडा फहराएं, फहराने के बाद में, ध्वजा रन करने के बाद में एक बार इन कॉलोनियों का भी हाल देखें कि असली फरीदाबाद कहाँ बसता है, असली फरीदाबाद कहाँ बसता है वो भी पता लगे,
कि कहाँ फरीदाबाद क्षेत्र की 70% आबादी कैसे हालात में रह रही है। बिल्कुल सही, हुड्डा सेक्टर जरूर है लेकिन हुड्डा सेक्टर में भी 2 मिनट की बारिश में जल भराव हो जाता है। वहाँ से भी फोन आते हैं, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी, बहुत बुरा हाल है। नितिन जी, लगभग हफ्ते भर से जो है भाजपा के कार्यकर्ता और नेता तिरंगा यात्रा के रूप में आधी किलोमीटर सड़क पर घूमकर जो मना रहे हैं, और जहां पूरा शहर खुदा पड़ा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, गड्ढे में पड़े हैं, तो इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया? मैं प्रतिक्रिया इस पे ये देना चाहूंगा कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है फरीदाबाद जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं से कि वह तिरंगा यात्रा ऐसी कॉलोनियों से निकालें ताकि भाजपा के कार्यकर्ता, उनके विधायकगण, पार्षदगणों को पता लगे कि ऐसे गड्ढे भरी सड़कों पर कैसे तिरंगा यात्रा निकाली जा सकती है। सही बात। ऐसी सीवर में आके, नाली में आके बदबू को महसूस करें, ना कि उन सेक्टरों की सड़कों से निकल जाएं जो अच्छी चकाचक बनी हुई है। असली तिरंगा यात्रा अगर निकालनी है तो देश की तिरंगा यात्रा देश के उस वर्ग के बीच से निकाली है जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहा है। ठीक है, अपने आप को लुटा हुआ महसूस। खुशबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 75वें दिवस की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे दो। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलो धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों को भी गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आपका धन्यवाद। नितिन भैया, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत।